So hey guys, what's up and welcome back to another video. Today we are going to shoot b-rolls. Haan guys, main first time kuch aisa b-roll wagera shoot kar raha hu. So dekhte hain kaisa aata hai. And one more thing, hum log ye b-roll smartphone se shoot karne wale hain, jo ki ye mera realme ka 7 pro ka phone hai. हाल ही में लिया मैंने और काफ़ी अच्छा फ़ोन है, खास करके फोटोग्राफर्स के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टार्ट करने से पहले सबसे फर्स्ट कैरी अ कॉटन क्लोथ, जो स्पेक्स के साथ मिलता है वो भी ले सकते हो. और आपके जो मोबाइल फ़ोन के लेंस होते हैं, कैमरा लेंस, वो हमेशा क्लीन रखते जाओ जब भी आप कुछ शूट करने वाले, ठीक है. सो ठीक से क्लीन कर लेगा. Now perfect. और guys, आज और एक चैलेंज है, मतलब ये जो b-roll शूट करने वाला हूँ मैं, सब घर पे करने वाला हूँ. जो कि फ्लावर प्लांट्स के पॉट्स रहते हैं हमारे पास, उसका यूज करके. अभी मेरे पास तो फिलहाल इतने हैं, ये एक एंड इसका तो कुछ यूज नहीं है, ये. तो इनका यूज करके मैं कुछ शूट करने वाला हूँ. और गाइज ये भी है, ये सारे. सो इनका भी यूज कर लूंगा, देखते हैं क्या निकल गया था रिजल्ट्स. लास्ट में पूरा एडिट करके दिखा भी दूंगा कि क्या मैंने शूट किया और कैसा हुआ. तो देखते हैं कैसा होता है. सो गाइज कुछ बेसिक सेटिंग्स है तो कैमरा के, तो मैं आपको बता देता हूँ. तो सिंपली आप लोग को कैमरा ओपन करना है एंड देन वीडियो में आना है, फिर ऊपर सेटिंग्स जाना है, वीडियो के सेटिंग्स में जाना है. और ये जो वीडियो रेजोल्यूशन होता है, ये आपको 1080p एंड 60fps में होता है. मतलब आप लोग अगर आपको स्लो करनी रहेगी फोटोज तो आप लोग 50% कर सकते हो, ठीक है. तो ये याद रखना है. एंड गाइस वीडियो एनकोडिंग भी आपको बेस्ट कंपेटिबली रखना है, आपको इफिशियंट में भी रखना है, ठीक है. सो ये कुछ थे कैमरा के बेसिक सेटिंग्स, अभी शूट करते हैं हम लोग. सो गाइस अभी सबसे पहले आप लोग को 2x जूम कर लेना है. रिकॉर्डिंग ऑन एंड लिफ्ट अप द कैमरा स्लोली स्लोली. और एक टिक लेंगे. सो गाइस काफी अच्छी फुटेज आ चुकी है. अभी सेकेंड शॉट के लिए हम लोग ये मिली यूज करने वाले. तो 2x जूम. तो हमें ये भी शॉट काफी अच्छे से मिल गया. सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे जो प्लांट है उसका यूज करके कुछ ट्राई करेंगे, ठीक है. सो अभी आप लोग को एकदम नीचे रूट जो रहता है वो कहीं यहाँ से स्ट्रेट निकल के प्लांट निकल जाए, तो वहाँ पे शूट करना है और एकदम 2x जूम कर लेना है. याद रखना कि स्ट्रेन फोकस में आ गए. वन मोर टेक लेंगे.
बहुत मस्त फोटोज मिल गई है यार, काफी क्लीन और काफी मस्त मिल गई है। सो गाइस अभी हमारे पास ये वाला प्लांट बचा है, सो अभी इसका भी हम लोग कुछ यूज करने वाले हैं। सिंपली आप लोग को इसकी जो स्टेम है वहाँ पे फोकस लॉक कर ले लीव्स के साथ स्टार्ट करके ऑन कर देंगे ऊपर स्लोली हम इस लीव के पास आके रुक जाएंगे और एक टेक लेंगे। गाइस हमेशा याद रखते हो दो टेक लेते हैं और अलग अलग एंगल से लेते हैं। डन। सो अभी ये भी फुटेज काफी अच्छी आ चुकी है, तो अभी हम लोग इस लीव का भी यूज करने वाले हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स आए तो वो भी काफी अच्छे हैं। ये सिंपली हम लोग टू एक रूम फोकस लॉक कर देना, ये ऑन करनी स्लोली लेफ्ट वन मोर टाइम ये नीचे लेके आना है। गाइस अब इधर भी कुछ है तो हमें इसका भी कुछ यूज करना है, सिंपली टू वेक्स यूज कर लेना है। लीफ के पास आना है, फोकस लॉक करना है, देन लीफ के पास आना है, ऑन करना है, स्लोली स्लाइड करना है राइट साइड पे। वन मोर टेक लेंगे, फोकस लॉक डन। तो ये भी काफी अच्छी फोटो जा चुकी है, तो अभी हम लोग ऊपर जो पॉट्स उनका यूज करने वाले हैं। अगर अभी मुझे यहाँ पे छोटी सा फ्लावर मिल रहा है काफी क्यूट है, और इस सिंपली पीछे लेके आएंगे और देन सिंपली पुश फॉरवर्ड तो ये भी काफी अच्छे फुटेज आ चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे भी कुछ इसका भी कुछ यूज करेंगे, राउंड करते हुए देखी जाऊंगी लाइक स्विंग करते हुए, ठीक है। That's it. जो कुछ भी था घर पे जो प्लांट्स थे मेरे पास सबके फुटेज ले चुका हूँ एंड अभी इसको मैं कलर ग्रेड करूंगा एंड सम म्यूजिक डालूंगा एंड सम साउंड इफेक्ट्स डाल के देखो बी रोल कैसे होता है।